नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि एक बहुत ही खास कलेक्शन सेट आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जिसको कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से रिलीज़ किया गया था और नाम दिया गया था प्रवित्रा। यहाँ पर प्रवित्रा का मतलब है प्र, जो है वो प्रलय से लिया गया है, वी जो है विनाश से लिया गया है, ता तानाशाह से, और रा राजनगर की तबाही से। बहुत ही ब्लॉकबस्टर चारों के चारों कॉमिक्स अपने ज़माने की, और इन चारों कॉमिक्स का सिल्वर जुबली एडिशन कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता ने लॉन्च किया था अभी कुछ ही महीनों पहले। पार्सल मेरे पास काफ़ी पहले आ चुका था, अनबॉक्सिंग भी मैं कर चुका हूँ, रिव्यू आज करने का मौका मिला है। तो चलिए, आप सबके सामने पेश है प्रवित्रा बाई राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हालांकि सेट को प्रवित्रा बोला गया है, जिसमें कि क्रम थोड़ा सा चेंज हो गया है जिसमें ये कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी, पर मैं उसी क्रम से चलूँगा जिस क्रम में इन कॉमिक्स को वास्तव में रिलीज़ किया गया था। तो उस क्रम में चलने पर सबसे पहली कॉमिक्स आ जाती है दोस्तों, राजनगर की तबाही। अपने समय की ब्लॉकबस्टर कॉमिक्स, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको रेस्पॉन्स मिला था सभी कॉमिक्स फैंस की तरफ से। हम जैसे लोगों ने बहुत बम्पर रेस्पॉन्स दिया था, बहुत ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग चला करती थी उस ज़माने में राजनगर की तबाही की। 96 पेज की कॉमिक्स थी, जब रिलीज़ हुई थी तो ₹25 उसका मूल्य था। हालांकि महंगाई के साथ रीप्रिंट्स आते गए और मूल्य बढ़ता गया। लास्ट रीप्रिंट जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से ही आया था, बिग साइज में आया था, और इसका मूल्य रखा गया था ₹180। और अब ये कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में हमको दिया गया है और मूल्य थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और मूल्य बढ़कर अब दोस्तों हो चुका है इंडिविजुअल कॉमिक्स का ₹600। ₹600 मूल्य क्यों है, क्या इसके साथ में आपको मिलता है ऐसा जो कि ये ₹600 की बन जाती है? ₹180 वाली कॉमिक्स को ₹600 में क्यों बेचा जा रहा है, क्यों लोग खरीद रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करता हूँ वीडियो। पॉली रैप में आती है, अच्छी खासी पैकेजिंग के साथ मुझे मिली थी। मैंने ऑफिशियल स्टोर जो राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता का है उसी से ऑर्डर किया था, और अच्छी पैकेजिंग में मुझे मिला था पार्सल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह से ओरिजिनल कॉमिक्स का कवर पेज था, कुछ कुछ उसी तरह से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। अनुपम सिन्हा जी के द्वारा ही इन सभी कॉमिक्स कलेक्टर एडिशंस के पेजेस को डिज़ाइन किया गया है दोबारा। पुराने जो रीप्रिंट्स हैं और पुराने ओरिजिनल कॉमिक्स जो हैं, उनमें भी पेजेस और चित्रांकन अनुपम सिन्हा जी का ही है। बहुत ही ज़बरदस्त डबल स्प्रेड में उस समय ये कवर पेजेस आया करते थे। उसी को बेस बना करके इस कवर पेज को तैयार किया गया है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि चार कलेक्टर एडिशंस अलग अलग हैं जिनको रिव्यू करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्पॉट यूवी का यूज़ किया गया है दोस्तों। बैकग्राउंड जो है वो मैट फिनिश में दिया गया है, और फ्रंट में जो कैरेक्टर्स लिए हैं नागराज को, सुपर कमांडो ध्रुव को, ये ड्रैगन, एलियन, चंडिका, सभी को एक उभरा हुआ सा आपको फील देगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मैट फिनिश में होने की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लोगो दिया गया है सिल्वर जुबली कलेक्टर एडिशन। 25 साल पूरे होने के उपलक्ष में इन सभी कॉमिक्स को एक साथ सिल्वर जुबली कलेक्टर एडिशन के तौर पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो नाम दोस्तों लिखा गया है, जो टाइटल लिखा है राजनगर की तबाही, वो एक काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर प्लेस किया गया है। और आप देखेंगे तो ये एक फ्लैट उसमें नहीं है, कोई प्रिंटेड नहीं है, ये अलग से चिपकाया गया है ऊपर से। आप यदि देख पाएं, ये एक थोड़ा मोटा मटेरियल है जिसको कि फॉन्ट्स के तरह कट करके यहाँ पर प्लेस किया गया है, चिपकाया गया है। और सिल्वर कलर में इसलिए क्योंकि सिल्वर
जुबली एडिशन है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी कॉमिक्स में इसी पैटर्न पे है, सभी में उभार के साथ दिया गया है। बहुत अच्छा कवर पेज लग रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके का बनाया गया है, राजनगर की तबाही का एक छोटा सा इंट्रो दिया है। पीछे विशेष क्या है संगणक संस्करण में वो दिया गया है। मूल्य नीचे मैं आपको बता ही चुका हूँ, 600 रुपये। कॉमिक्स के कुछ पैनल्स को पीछे सेट किया गया है। पीछे जो हमको बैक कवर जो मिलता है, इसमें भी बैकग्राउंड मैट है और स्पॉट यूवी के साथ एक ग्लॉसी फिनिश के साथ में बाकी सारी चीज़ों को प्लेस किया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। राजनगर की तबाही का थीम दोस्तों एक ऑरेंजिश रेडिश टाइप का थीम रखा गया है। इस पाइन आप देख सकते हैं राजनगर की तबाही राज कॉमिक्स और ऊपर राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता का लोगो। कॉमिक्स खोल के अंदर की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों तो रेड पेजेस, रेड थीम पर राजनगर की तबाही को रखा गया है तो रेड पेजेस दिए गए हैं। यहाँ पर अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया एक और कवर पेज जो कि ओरिजिनल कवर पेज को ही, जिस तरह ओरिजिनल कवर पेज डबल स्प्रेड में था, इसको सिंगल स्प्रेड में दिया गया है। सिंगल पेज पे है लेकिन है पूरा कवर पेज वही, कुछ एक चीज़ों को हटा दिया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो ओरिजिनल कवर पेज है उसको दिया गया है डबल स्प्रेड में ही। ओरिजिनल कवर पेज आया था डबल स्प्रेड में ही, यहाँ पर दे दिया गया है। आप देख सकते हैं एक रेडिश टोन में दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्रेडेंशियल्स यहाँ पर दिए गए हैं, स्टोरी एंड आर्ट अनुपम सिन्हा जी का है, इंकिंग विट्ठल कांबले जी का है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अनुपम जी और विट्ठल कांबले जी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजनगर की तबाही मुद्रण तिथि अगस्त 2022, लगभग एक साल हो चुका है इसको आए हुए। राजप्रस्थ नंबर 17 कॉमिक्स के स्टार्टिंग में दिया गया है। काफ़ी कुछ बताया गया है किस तरह से सोचा गया इस कॉमिक्स के बारे में, किस तरह इस कलेक्टर एडिशन के बारे में सोचा गया, किस तरह राजनगर की तबाही प्रलय विनाश और तानाशाह को बनाने की परिकल्पना की गई थी। और इंडिविजुअल कॉमिक्स में हर एक राजप्रस्थ में वही कहानी आगे बढ़ती रहती है कि किस तरह से अगली कॉमिक्स के बारे में सोचना शुरू किया, किस तरह से इंडिविजुअल कॉमिक्स के बारे में सोचा और उसकी कहानी रची गई अनुपम सिन्हा जी की कलम से, किस तरह से वीडियो गेम्स को बेस बनाकर राजनगर की तबाही को रचा गया था। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, अनुपम सिन्हा जी ने अपना अनुभव साझा किया है। और यहाँ पर दोस्तों शुरू हो जाती है राजनगर की तबाही। अनुपम जी का चित्रांकन बिल्कुल पीक पर उस समय रहा था और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक पैनल को खूबसूरती से उन्होंने ड्रॉ किया है। पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी दोस्तों सब बहुत अच्छी है। जिस तरह से रीप्रिंट्स में आया था वही पेपर क्वालिटी, वही प्रिंट क्वालिटी है। कॉमिक्स तो सेम ही है। यहाँ पर एक बुकमार्क दिया गया है फ्रंट पेज के ही पैनल्स को, यहाँ पर बुकमार्क में सेट किया है। नागराज है पीछे, सुपर कमांडो ध्रुव, चंडिका, एलियन, ड्रैगन। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कहानी की बात करें दोस्तों तो कहानी हम सभी जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन उम्दा कहानी है। उस ज़माने में बहुत ही रेवोल्यूशनरी कहानी थी, सभी की चहेती कहानी थी। बहुत ही बढ़िया तरह से प्रेजेंट किया था अपने कॉन्सेप्ट्स को अनुपम सिन्हा जी ने। सभी का रोल इंडिविजुअली बहुत ही अच्छा था, एज अ टीम सब ने मिलकर के काम किया। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ने, ब्लैक कैट, चंडिका, सभी ने मिलकर काम किया और राजनगर को तबाही से वो बचा पाए। यहाँ पर दोस्तों 96 पेज की कॉमिक्स थी, 90 पेज पर आकर के समाप्त हो जाती है। ग्रीन पेज नंबर 11 यहाँ पर एज इट इज दिया गया है जैसा कि ओरिजिनल कॉमिक्स में था। पॉइजन पोस्ट, सभी ओरिजिनलिटी बिल्कुल बरकरार रखी है दोस्तों। मैं भी जासूस कॉन्टेस्ट, नागराज फैन क्लब, हम लोगों ने भी इन कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। ओरिजिनल कॉमिक्स 1996 में रिलीज हुई थी, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में हम लोग भी भाग लिया करते थे। और राज कॉमिक्स की तरफ से जो रिप्लाई आते थे पोस्ट कार्ड के फॉर्म में,
उन पर टाइपिंग की हुई होती थी कि इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगता था, अपने दोस्तों को दिखाते थे कि देखो हमारे पास भी ये पोस्ट कार्ड आया, हमने इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, फाइनेस्ट फाइव बहुत ही फेमस कॉन्टेस्ट उस ज़माने का। यहाँ बोनस पेजेस आ जाते हैं दोस्तों, राजनगर की तबाही में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं, क्या क्या इवेंट्स थे, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। इमेज के बारे में, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में, मध्यकालीन युग की सेना कैसे आ गई, लाइव वीडियो गेम कहाँ से आया, रोबो आर्मी, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये कलेक्टर एडिशन का जो कवर पेज है उसके बारे में, उसकी कवर स्टेजेस दी गई हैं, सबसे पहले अनुपम जी द्वारा बनाया गया पेंसिल स्केच, उसके बाद जगदीश जी ने इंकिंग की है, उसके बाद राजकोमिक्स की टीम ने फ्लैट कलर्स उसको दिए, और अंत में डिजिटल इफेक्ट्स के साथ जो फाइनल कवर पेज तैयार हुआ वो है। यहाँ ओरिजिनल कॉमिक्स का कवर पेज भी दिया गया है दोस्तों, सबसे पहला ओरिजिनल कवर पेज यही था जो सबसे ऊपर है। इसके बाद द्वितीय आवरण पृष्ठ में कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करके कुछ जो रीप्रिंट्स आए थे उनमें ये कलर कॉम्बिनेशन भी दिया गया था, और तृतीय आवरण पृष्ठ यहाँ आप देख सकते हैं जो कि डबल स्प्रेड में ना होकर के सिंगल है, जो कॉमिक्स कलेक्टर एडिशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दिया गया है। बाद में जो रीप्रिंट्स काफ़ी बाद में आए थे उनमें ये वाला कवर पेज भी दिया गया था। और ये राजनगर की तबाही के जो ओरिजिनल कॉमिक्स थी उसके उसका जो बैक कवर था वो भी डबल स्प्रेड था, और वो एक पोस्टर के फॉर्म में था। इस बैक कवर का एक जिग्सॉ पजल भी आया था जो हमने ख़रीदा था, अब वो जिग्सॉ पजल वगैरह आना बंद हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको भी यहाँ दिया गया है। और राजनगर की तबाही का ओरिजिनल एड यहाँ पर प्लेस करा गया है। पहला एड जो था राजनगर की तबाही का वो ये था, बहुत ही बढ़िया, देख करके खलबली मच गई थी सभी उस ज़माने में दोस्तों के बीच में कि किस तरह से इस कॉमिक्स को लाया जाएगा, क्या इसमें होगा, 96 पेज की कॉमिक्स है तो किस तरह की कहानी होगी, क्योंकि मोस्टली उस ज़माने में 32 या बहुत है तो विशेषांक के रूप में 64 पेज की कॉमिक्स ही आया करती थी। 96 पेज की कॉमिक्स आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और मैं समझता हूँ शायद पहली 96 पेज की कॉमिक्स राजनगर की तबाही थी राज कॉमिक्स की तरफ से, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और यहाँ पर दूसरा ऐड जो राजनगर की तबाही का आया था वो यहाँ पर दिया गया है, अंत में येलो माफ़ कीजिएगा रेड पेजेस। और ये पेजेस चिपक इसलिए रहे हैं दोस्तों, जैसा मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि गोल्ड गिल्डिंग की वजह से ये पेजेस आपस में चिपकते हैं, हालांकि इसमें गोल्ड गिल्डिंग नहीं है, इसमें सिल्वर गिल्डिंग की गई है, सिल्वर कलर से आपको एजेस देखने को मिलेंगे, चूँकि सिल्वर जुबली एडिशन है इसलिए सब चीज़ों को सिल्वर रखने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं पेजेस सिल्वर कलर के हैं एजेस पे, उनकी वजह से थोड़ा सा पेजेस आपस में चिपकते ही हैं। तो ये था दोस्तों पहला भाग राजनगर की तबाही। अगले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगली कॉमिक्स है प्रलय, जिसको कि ब्लू थीम पर रखा गया है, सब कुछ उसी तरह से है, मैट फिनिश बैकग्राउंड में दी गई है, आगे स्पॉट यूवी में सारे कैरेक्टर्स दिए हैं, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव आपस में लड़ते हुए। जो ओरिजिनल कवर पेज प्रलय का था उसी को बेस बना करके जिस तरह से उसमें सब लोग आपस में भिड़े हुए थे, उसी तरह से इसमें भी सभी आपस में भिड़े हुए हैं, उसी कवर पेज को बेस बनाकर इसे डिज़ाइन किया गया है अनुपम सिन्हा जी के द्वारा ही। ये ओरिजिनल माफ़ कीजिएगा रीप्रिंट प्रलय का मेरे पास है, जो कि सेम साइज़ में है, हल्का सा साइज़ का फ़र्क आ जाता है क्योंकि कलेक्टर एडिशन में ये मोटा गत्ता होने की वजह से थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेता है। पीछे की तरफ भी जिस तरह राजनगर की तबाही में था उसी तरह से मैट बैकग्राउंड पर स्पॉट यूवी में सारी चीज़ें दी गई हैं, ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ सारी चीज़ें हैं, पैनल्स को सेट किया है, प्रलय के बारे में थोड़ी जानकारी और संग्राहक संस्करण में विशेष क्या है वो दिया है, मूल्य वही 600 रुपये है, सिल्वर गिल्डिंग के साथ आता है ये भी, स्पाइन पर वही प्रलय लिखा है और राज कॉमिक्स का लोगो। नाम भी दोस्तों उसी तरह से कटआउट के फॉर्म में चिपकाया गया है ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।
ये ब्लू थीम पर है तो अंदर भी ब्लू पेजेस दिए गए हैं। ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी मुझे, जिस थीम पर ये कॉमिक्स हर इंडिविजुअल कॉमिक्स को रखा गया है, हर कलेक्टर एडिशन को, उसी थीम के साथ अंदर के पेजेस और कवर पेज को भी सेट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रलय का जो यहाँ कवर पेज आता है वो भी ब्लू थीम में है। ये भी दोस्तों एक कवर पेज था प्रलय का, जो कि बाद में काफ़ी रीप्रिंट्स में आया था, जो कि पब्लिक ने काफ़ी नापसंद किया था, किसी ने कुछ खास पसंद नहीं किया इसको। सिंगल पेज पर सेट किया था डबल स्प्रेड की जगह। ये देखिए, ये डबल स्प्रेड वाला पेज यहाँ आ जाता है, जैसे राज रगर की तबाही में आया था। क्रेडेंशियल्स पेज पे ब्लू थीम में यहाँ पर दिया गया है पूरा ओरिजिनल कवर पेज। आगे बढ़ते हैं तो मुद्रण तिथि वही अगस्त 2022, राजपृष्ठ 18 यहाँ देखने को मिलता है। और मनोज गुप्ता जी ने अपना अनुभव साझा किया है, किस तरह से प्रलय को बनाया गया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी थी प्रलय को बनाते समय। कुछ फैक्ट्स दोस्तों काफ़ी अच्छे दिए गए हैं यहाँ प्रलय के बारे में, जो कि आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा कि पहला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप जब लें इस एडिशन को तो पढ़िएगा। प्रलय राज कॉमिक्स के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक बिकने वाली कॉमिक्स है। जितनी भी कॉमिक्स आज तक राज कॉमिक्स ने प्रिंट करी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक्स प्रलय है दोस्तों। अनुपम सिन्हा जी की कलम से, अनुपम सिन्हा जी ने अपना अनुभव साझा किया है, अपनी कहानी किस तरह से उन्होंने बनाई, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे, उन सब के बारे में यहाँ दिया है। और यहाँ दोस्तों कहानी शुरू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया कहानी है दोस्तों, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी प्रलय की। हम सभी कई बार इस कहानी को पढ़ चुके हैं और कभी भी बोरियत नहीं होती इस कहानी को पढ़ के। यहाँ एक बुकमार्क है जो कि कवर पेज के आर्ट को ही लेकर के बनाया गया है। पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी सब सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा कि रिप्रिंट्स में आ रहा है उसी तरह से दिया गया है। तो अंत में आ जाते हैं दोस्तों, ये भी 96 पेज की कॉमिक्स थी, 90 पेज पर कहानी समाप्त हो जाती है। उसके आगे विनाश का ऐड है, जो कि अगली कॉमिक्स 96 पेज की बनेगी। पॉइजन पोस्ट और स्टार मेल एक साथ दिए गए हैं, पीछे शेर का बच्चा का ऐड, आखिरी उड़ान परमाणु का ऐड, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के अब तक के प्रकाशित कॉमिक्स, और अंत में आ जाता है बोनस पेजेस। प्रलय में दोस्तों किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। विसर्पी बनाम चंडिका, विसर्पी और चंडिका की जो लड़ाई हुई उसके बारे में, ध्रुव बनाम नागार्जुन, ध्रुव बनाम सर्पराज, ध्रुव बनाम नागदेव और नागप्रेति, ध्रुव बनाम विशंदर, ध्रुव बनाम नागराज। ध्रुव ने इसमें जो पंचनाग नागराज के सहायक थे, उन पांचों से अकेले टक्कर लेकर के उन पांचों को धराशायी किया था, तो उन सब के बारे में डिटेल दी गई है। ध्रुव बनाम विशैला, बहुत ही अपने दिमाग से काम लेते हुए ध्रुव ने सबको एक एक करके ठिकाने लगाया और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंत में सब कुछ सेटल हुआ। कवर स्टेजेस उसी तरह से दी गई हैं, पेंसिल स्केच अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, जगदीश कुमार जी द्वारा इंकिंग, फ्लैट कलर्स और फिर ओरिजिनल डिजिटल इफेक्ट्स के साथ में यहाँ पर जो फाइनल कवर बना वो दिया गया है। ओरिजिनल कवर आर्ट यहाँ दिया गया है दोस्तों, जो पहली बार में आया था। बाद में कुछ रीप्रिंट्स में ये दूसरा वाला कवर आर्ट आया था, जो कि कवर माफ़ कीजिएगा आर्ट तो सेम है, पर कलर कॉम्बिनेशन अलग होने की वजह से थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। डबल स्प्रेड में है ये भी। तीसरा कवर आर्ट भी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से अलग था। और चौथा कवर आर्ट जो बहुत कम लोगों को पसंद आया, जो सिंगल कवर के फॉर्म में था, लेकिन आर्ट वर्क बहुत ही पुअर क्वालिटी का था, जिसकी वजह से लोगों ने बिल्कुल इसको नकार दिया। प्रलय का पहला एड जो कि बहुत फेमस हुआ था अपने ज़माने में, और इसके बाद यहाँ पीछे हमको दिखाई देता है प्रलय का एक टीवी पर आने वाला एड भी शूट किया गया था, जो कि सोनू सूद जी के द्वारा नागराज का रोल उसमें निभाया गया था। उस एड के दो फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अनुपम सिन्हा जी काफ़ी यंग लगते हुए, मनोज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और भी कलाकार हैं। फिर ब्लू पेजेस के साथ कहानी कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है।
काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए हैं दोस्तों कलेक्टर एडिशंस, काफ़ी मेहनत की गई है बिल्कुल। अगली आ जाती है विनाश, जो कि येलो थीम पर है, सेम मैट फिनिश, कवर पेज बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन करा हुआ। मुझे इंडिविजुअली सभी कवर पेजेस में से विनाश का कवर पेज और राजनगर की तबाही का कवर पेज सबसे अच्छा लगा। प्रलय का थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा और तानाशाह का भी थोड़ा कमज़ोर लगा, पर विनाश का कवर पेज बहुत ही बढ़िया, बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ, फ्रंट में वही स्पॉट यूवी, विनाश का लोगो, विनाश का नाम यहाँ उभरा हुआ बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया है, स्पाइन आप देख सकते हैं, और बैकग्राउंड में येलो थीम के साथ मैट फिनिश पर ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ में विनाश की थोड़ी सी डिटेल दी गई है। सिल्वर गिल्डिंग, आगे बढ़ जाते हैं, येलो पेजेस, ये विनाश का एक बाद में रीप्रिंट्स पर सिंगल कवर वाला जो कवर आया था वो यहाँ पर दिया गया है, इसको भी फैंस ने नकार दिया था, काफ़ी कम पसंद किया लोगों ने। आगे अंदर ओरिजिनल विनाश का जो कवर पेज है वो देखने को मिलता है, उसी पर क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल कवर पेज इस तरह से था विनाश का डबल स्प्रेड में, जो कि मेरे पास रीप्रिंट है उसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं तो विनाश की मुद्रण तिथि अगस्त 2022 कलेक्टर एडिशन की, और राज ट्रस्ट 19 आ जाता है। मनोज गुप्ता जी फिर अपना अनुभव विनाश के बारे में साझा करते हैं, अनुपम सिन्हा जी अपने अनुभव के बारे में बताते हैं किस तरह से इन सभी कॉमिक्स को बैक टू बैक वो रस्ते जा रहे थे और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या उन्हें अच्छा लग रहा था उस समय के बारे में, किस तरह से कॉमिक्स जगत चेंज होता जा रहा था, वो सब यहाँ पर अनुभव उन्होंने अपना साझा किया है। कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों विनाश, पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी सब बिल्कुल पेपर बैग जैसी ही है, रीप्रिंट की तरह, और बुकमार्क यहाँ पर दिखाई देता है फ्रंट कवर का ही, बढ़िया आर्ट है, अनुपम सिन्हा जी का आर्ट उस समय बिल्कुल ज़बरदस्त हुआ करता था, आज भी है पर उस समय बिल्कुल वो अपने प्राइम पर थे। 90 पेज पे कहानी ख़त्म, ग्रीन पेज आ जाता है, स्टार मेल, पॉइजन पोस्ट, नागराज और ध्रुव की कॉमिक्स की लिस्ट दी गई है, जहरीले कॉमिक्स का एड, काफ़ी फेमस कॉमिक्स थी, खूनी खानदान का एड दिया गया है, ध्रुव की एक बहुत ही बहुचर्चित सीरीज़ है। फिर आगे आ जाते हैं बोनस पेजेस, पूरी येलो थीम के साथ चल रही है दोस्तों कॉमिक्स। विनाश में क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी, मसीहा जो एक कैरेक्टर था जो कि इस पूरी कहानी का सूत्रधार बनता है, किस तरह से उसने सब कुछ किया वो आप इसमें पढ़ पाएंगे, जीवन दंडक, ब्लैक बॉक्स, रक्षक जंगली, संरक्षक, किस तरह से ये सब चीज़ें हुई उसके लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ आप ऑलरेडी चुके होंगे। कवर स्टेजेस दोस्तों वही पेंसिलिंग अनुपम जी वाली, उसके बाद जगदीश जी की इंकिंग, फ्लैट कलर्स, और फिर डिजिटल इफेक्ट्स के बाद फाइनल कवर पेज जो तैयार हुआ। कवर गैलरी में ओरिजिनल कवर दिया गया है, फिर अलग थोड़े अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में दूसरा आवरण पृष्ठ है दोस्तों, तीसरा आवरण पृष्ठ सिंगल पेज पर जो बनाया गया है काफ़ी अजीब तरीके का लगता हुआ, अनुपम सिन्हा जी के आर्टवर्क के सामने कहीं नहीं ठहरता है, और इसी आवरण पृष्ठ का एक सेकंड विकल्प जो ये दिखाई देता है काफ़ी डिजिटल सा कर दिया है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, काफ़ी कार्टूनिश और चाइनीज़ टाइप का लुक लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा। पीछे ऐड गैलरी दोस्तों विनाश के दो जो ऐड आए थे उनको यहाँ पर एक साथ दिया गया है, और यहाँ पर कहानी कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है येलो पेजेस के साथ विनाश, और चौथी और आखिरी कॉमिक्स है दोस्तों तानाशाह जो कि ग्रीन, चौथी कॉमिक्स दोस्तों यहाँ पर आ जाती है तानाशाह, वही मैट फिनिश के साथ बैकग्राउंड है कवर पेज का, और स्पॉट यूवी में फ्रंट में सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, नाम उसी तरह से तानाशाह का सिल्वर कलर में चिपकाया गया है ऊपर से, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से चिपके हुए स्टिकर नाम की जगह हमने राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता की तरफ से नागराज की जो ओरिजिन सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन आया था योगारंभ, उसका जो प्रीमियम एडिशन था उसमें सबसे पहले देखा था, ग्रीन थीम के साथ है, बैकग्राउंड पे वही मैट फिनिश पे ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ तानाशाह की डिटेल दी गई है, सिल्वर गिल्डिंग,
और अंदर कॉमिक्स खोलने पर ग्रीन पेजेस दिखाई देते हैं। सबसे पहले तानाशाह का वही सिंगल पेज वाला कवर पेज दिखाई देता है, जो कि एक बार फिर फैंस के द्वारा पसंद नहीं किया गया था, यहाँ पर इसको दिया गया है। ओरिजिनल जो कवर पेज था डबल स्प्रेड वाला, उस पर क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, ये ओरिजिनल कवर पेज है। ओरिजिनल कवर डबल स्प्रेड में आया था, ये रीप्रिंट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मुद्रण तिथि अगस्त 2022 और राजपृष्ठ नंबर 20 यहाँ पर आ जाता है। मनोज गुप्ता जी फिर तानाशाह के बारे में बात करते हैं, किस तरह से पूरी कॉमिक्स को रचा और किस तरह 2022 में अपने सिल्वर जुबली वर्ष में इन्होंने चारों कॉमिक्स को एक साथ कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करी है। अनुपम सिन्हा जी की कलम से फिर से वही अपने अनुभव को साझा किया है, क्या सोच रख करके इस कॉमिक्स को बनाया, किस तरह स्टोरी लिखी, किस तरह से डेवलपमेंट उस ज़माने में हुआ करते थे, किस तरह से कॉमिक्स इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे थे, उस सब की बात अनुपम सिन्हा जी ने करी है। और यहाँ कॉमिक्स की कहानी शुरू हो जाती है। तानाशाह बेहतरीन आर्टवर्क के साथ, बहुत ही उम्दा आर्टवर्क है, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी, अंदर पॉइजन पोस्ट और स्टार मेल दिए गए हैं। आपका फोटो यदि है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था उस ज़माने में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। बुकमार्क वही कवर पेज का जो आर्टवर्क है उसको लेकर के बनाया गया है। कहानी तानाशाह की भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, हालांकि कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर ओवरऑल अगर देखें तो कहानी अच्छी ही लगी मुझे तो। 90 पेज पे कहानी समाप्त, उसके बाद ग्रीन पेज नंबर 54, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स की लिस्ट दी गई है। सेट डिटेल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो फ्रंट में होते हैं वो यहाँ दिया गया है। यहाँ पे सूरमा का एड, डोगा शक्ति का एड, ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं और तानाशाह जवाब मांगता है कॉन्टेस्ट, 10 सवाल पूछे गए हैं, माफ़ कीजिएगा 12 सवाल पूछे गए हैं तानाशाह की तरफ से नागराज के बारे में, तो उनके जवाब आप दे सकते थे और काफ़ी कुछ जीत सकते थे। बोनस पेजेस दोस्तों यहाँ आ जाते हैं, सब कुछ ग्रीन थीम पर चल रहा है। तानाशाह के बारे में क्या क्या पावर्स उसके पास आई थी, अमानवीय ताकत, एनर्जी वॉर, आत्मा खींचने की क्षमता, टेलीपोर्ट, मस्तिष्क नियंत्रण, प्रकृति नियंत्रण, शस्त्र और विज्ञान, ये सारी की सारी पावर्स तानाशाह में जो विलेन है जिसको कि तानाशाह बोला गया है उसके पास आ जाती हैं। फिर भी किस तरह नागराज और ध्रुव उससे लड़ते हुए उसको हराते हैं वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा तानाशाह में। कवर स्टेजेस जो दी गई हैं वही पेंसिलिंग अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में कि पेंसिल स्केचेस भी दिए जाते हैं अब, जिससे कि ओरिजिनल किस तरह से उस चीज़ को बनाया गया होगा उसका अंदाज़ा लग पाता है। जगदीश कुमार जी ने इंकिंग की है। फ्लैट कलर्स और फिर डिजिटल इफेक्ट्स के साथ में जो कवर पेज फाइनल हुआ है वो दिया गया है। प्रथम आवरण पृष्ठ ओरिजिनल कॉमिक्स में जैसा आया था, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी, वो दिया गया है यहाँ। और द्वितीय आवरण पृष्ठ सिंगल पेज का जो कवर बनाया गया था, काफ़ी अजीब सा देखने में लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आए ये सिंगल पेज वाले जितने भी कवर पेजेस हैं। खैर, तानाशाह का जो एड आया था वो यहाँ दिया गया है सिंगल पेज पे, और तानाशाह का दूसरा एड इसके पीछे दिया गया है। ग्रीन पेजेस के साथ में यहाँ कलेक्टर एडिशन समाप्त हो जाता है दोस्तों। चारों कलेक्टर एडिशन मैंने आपको दिखाए, तानाशाह, विनाश, प्रलय और राजनगर की तबाही। अब इनके साथ में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा नॉवल्टीज़ भी हमें मिल जाती हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चारों के साथ में एक एक पोस्टर दिया गया है वो आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्टर जो है दोस्तों, ये ओरिजिनल कवर पेज जो इन कॉमिक्स के थे उनको ही पोस्टर के फॉर्म में दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। हालांकि क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, एक तो थोड़ा पेपर थोड़ा सा पतला है इन पोस्टर्स का, और दूसरी एक जो सबसे ख़राब बात मुझे लगी
वो ये है कि इन पोस्टर्स को फोल्ड करके रखकर कोरियर में भेजा गया था और सभी जगह इसी तरह से भेजे गए हैं, जो बाकी सेलर्स भी भेज रहे हैं वो भी इसी तरह से भेज रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी ख़राब लगा क्योंकि इससे आप देख सकते हैं ये लाइनें पड़ जाती हैं और एक वाइट कलर दिखाई देने लगता है और पोस्टर ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। अब आज के समय में इन पोस्टर्स को चिपकाना तो मुझे नहीं लगता कि कोई चिपकाता होगा दीवारों पर, मुझे नहीं लगता कोई लगाता होगा। एक यादगार के तौर पर नॉस्टैल्जिया फीलिंग के लिए ये सब कुछ हम लोग ले रहे हैं, तो इनको सहेज कर रखना ज़रूरी है। और उसी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये आपको मिलेंगे तो ये लाइनें आपको ऑलरेडी पड़ी हुई मिलेंगी। मैंने बहुत समय से इनको सीधा रखा हुआ है लेकिन फिर भी ये लाइंस आप क्लियरली देख सकते हैं, तो पोस्टर के ख़राब होने के चांसेस तो हैं। पर पोस्टर लगते बहुत अच्छे हैं। साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टर का कितना बड़ा है, राजनगर की तबाही वाले से ही कंपेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिन राजनगर की तबाही के रीप्रिंट का डबल स्प्रेड कवर है और ये नीचे जो है ये पूरा पोस्टर है, तो साइज़ काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं दो कॉमिक से भी ज़्यादा बड़ा पोस्टर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि साइज़ अच्छा रखा है पोस्टर का। पहला पोस्टर राजनगर की तबाही, दूसरा पोस्टर प्रलय, प्रलय का कवर पेज है, डिटेलिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बड़े साइज़ में है तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा पोस्टर दोस्तों विनाश, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बस जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि फोल्ड करके दे दिया गया है तो फोल्ड वाली लाइंस आपको क्लियरली दिखाई देंगी। चौथा और आखिरी पोस्टर जो है वो है तानाशाह का, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पेपर क्वालिटी भी ठीक है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। इसके बाद दोस्तों हमें मिलते हैं चारों कॉमिक्स के साथ इंडिविजुअल स्टैंडी, बिग साइज़ के स्टैंडी हैं दोस्तों, अच्छी बात है। और जो चारों के कवर पेजेस हैं उनको ही लेकर के स्टैंडी के फॉर्म में यहाँ बनाया गया है। मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये राजनगर की तबाही के साथ आया है, आप देख सकते हैं कवर पेज पे जो नागराज का आर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। साइज़ भी ठीक है, अच्छा है, बिग साइज़ में है, इस तरह से आप लगा करके अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर में, मैं लगा कर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट एक शोकेस कर रहा हूँ, लगा करके इस स्टैंड में कहीं भी आप रख सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, MDF बोर्ड में है, स्टैंड ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और इन कलेक्टर एडिशंस को ख़रीदने का एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण जो है वो ये फ्री नॉवल्टीज़ ही हैं और जो एक्स्ट्रा कंटेंट इनमें दिया गया है। हालांकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा तब भी है, 600 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन फिर भी इन नॉवल्टीज़ के होने की वजह से फिर भी थोड़ा अपने प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। प्रलय का स्टैंड ही है दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, पता नहीं क्यों, बाकियों के मुकाबले ये स्टैंड ही मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। देखिए आप साइज़ का कंपैरिजन करके, तीसरा स्टैंड ही मुझे काफ़ी बड़ा लगा जो कि है विनाश का, साइज़ में थोड़ी सी रेगुलरिटी है, जिसका स्टैंड भी देखिए आप बहुत बड़ा है और स्टैंडी लगभग लगभग जो कवर पेज पे आर्ट है उसी साइज़ का है। और अंत में तानाशाह का स्टैंडी जिसमें नागराज और सुपर कमांडो के रूप दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ का है, ये भी लगभग कवर पेज पर जो आर्ट है उस आर्ट के बराबर का ही है, थोड़ा सा ही 19-20 का अंतर है, तो स्टैंडी काफ़ी अच्छे लगे। इनके साथ में हमको स्टिकर्स भी मिलते हैं, ये रेड वाला राजनगर की तबाही के साथ में है, हर स्टिकर में तीन तीन स्टिकर्स इंडिविजुअली दिए गए हैं, चंडिका, ब्लैक कैट, सुपर कमांडो और नागराज। प्रलय ब्लू थीम पर था, ये प्रलय का है,
सुपर कमांडो ध्रुव के दो स्टिकर्स हैं, नागराज का एक स्टिकर है, अंदर जो कॉमिक्स के पैनल्स हैं उन्हीं को लेकर के स्टिकर्स बनाए गए हैं। तीसरा विनाश का येलो थीम पे, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के दो, और चौथा तानाशाह का जो पेपर स्टिकर हैं, एक्शन स्टिकर बोल सकते हैं इनको, इसमें तीनों स्टिकर जो है वो सुपर कमांडो ध्रुव के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था प्रवित्रा का पूरा सेट, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 600 रुपये का प्राइस है दोस्तों हर एडिशन का, जस्टिफाई करता है या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। हालांकि 600 रुपये का प्राइस मुझे फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, काफ़ी चीज़ें साथ में दी गई हैं, पोस्टर है, स्टैंडी है और पेपर स्टिकर भी है, बोनस कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कम इसका किया जा सकता था। हालांकि आपके फेवरेट सेलर से या मनोज राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको 10-15% के डिस्काउंट पर तो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी चारों ही कलेक्टर एडिशन। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस बार नहीं किया गया है राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से, और साथ में जो आइटम्स दिए गए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वांटिटी में हैं। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह कॉमिक्स पढ़ते रहिए, रिव्यूज़ देखते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।